नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। शहर में लगातार हो रही हेलमेट चेकिंग से लोग परेशान हैं। चेकिंग के दौरान गूगल पेमेंट से वसूली के संबंध में शनिवार को सामाजिक सेवा संघ के एक प्रतिनिधि मंडल राजेश सामंत के नेतृत्व में वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हेलमेट चेकिंग को लेकर जबरन गूगल पेमेंट से वसूली के संबंध में ज्ञापन सौंपकर जानकारी दी। सामाजिक सेवा संघ के संरक्षक राजेश सामंत ने बताया कि बीते दिनों ट्रैफिक पुलिस द्वारा काशीडी मोड़ पर हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उस बीच सामाजिक सेवा संघ का सदस्य सूरज प्रामाणिक अपने निजी काम से काशीडी मोड़ पर मोटरसाइकिल स्टैंड कर हेलमेट खोलते ही वहां चेकिंग में उपस्थित पदाधिकारी रोशन गुड़िया ने सूरज प्रामाणिक को जबरन हेलमेट नहीं पहनने की बात कहकर चालान काटने की बात कही। उस दौरान पदाधिकारी कहने लगे, तुम हेलमेट नहीं पहने थे, चालान काटेंगे। इसकी जानकारी उसी वक्त ट्रैफिक डीएसपी को फोन के माध्यम से दी गई थी, लेकिन अधिकारी रुपए नहीं देने पर मोटरसाइकिल को क्रेन से घसीटते हुए ले जाने की धमकी देने लगे। वहीं क्रेन में गाड़ी को बंधना भी शुरू कर दिया। तभी सामाजिक सेवा संघ के सदस्य सूरज कुमार ने अपने अकाउंट से 500 रुपया रोशन गुड़िया के अकाउंट में ट्रांसफर किया। उसके बाद गाड़ी को छोड़ा गया, लेकिन पेमेंट का चालान पेपर भी उसे नहीं दिया गया। श्री सामंत ने कहा कि पब्लिक को परेशान करने वाले ऐसे भ्रष्ट और घुसखोर पदाधिकारी पर जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जनता परेशान ना हो। वहीं सामाजिक सेवा संघ के अध्यक्ष राजेश सामंत ने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि सड़क पर चलने वाले बुजुर्ग महिला पुरुषों और बीमार बुजुर्गों को हेलमेट चेकिंग में राहत दी जाए ताकि उन्हें अस्पताल आने जाने में सहयोग मिले। उन्होंने कहा, वैसे हेलमेट सबके लिए जरूरी है, लेकिन बुजुर्ग लोगों को अचानक हेलमेट पहनाने से परेशानी महसूस होती है। शहर में हेलमेट चेकिंग का जो अभियान चल रहा है उसमें जबरन पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। हेलमेट चेकिंग के नाम से जबरन पैसे का भी वसूली किया जा रहा है। काशीडी मोड़ में सामाजिक सेवा संघ का पूरा सदस्य है, उनके द्वारा भी एक ऐसी घटना घटा और इनके पास पैसा नहीं था, तो बोला कि नहीं पर वैसा नहीं है तो तुमको गूगल पे में देना पड़ेगा। इधर से गूगल पे में पैसा दे दिया और इसका कोई चलान उलान भी नहीं दिया। हम लोग सबके साथ से मांग करने आए कि ऐसे घुसखोर और भ्रष्ट पदाधिकारी जो पब्लिक को परेशान करते हैं, इसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग हम लोग सामाजिक सेवा संघ की ओर से करते हैं। और साथ ही सीनियर सिटीजन जो ऐसे बुजुर्ग एजेड आदमी है जो हेलमेट पहनने से जिनको अकबकी होता है, तो उनको राहत दिया जाए हेलमेट पहनने के लिए कि हेलमेट ना पहने के लिए छूट दिया जाए बूढ़ा बुजुर्ग। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।